अपना बनाया कोई सामान उन्होंने जनकपुरी में पाया ही नहीं है। बोलो मिथिला धाम की, है ना। आज लेकिन आपको मिथिला से निकालेंगे भैया, क्या कर रहे हैं, कल से ही मिथिला में है। सखियों ने दूल्हे को देखा, जियरा जुड़ाएला वो सखी। निकलने का तो आज मन नहीं कर रहा है, लेकिन निकलना पड़ेगा, आज भगवान की बन लीला। कि जियरा जुड़ाएला सखी, जियरा जुड़ाएला अवध से हारे, अवध से। अरे ऐले सुंदर दूल्हा है सखी, जियरा जुड़ाएला अवध से ऐले सुंदर दूल्हा। मिथिलानियों ने ऐसे दूल्हे को देखा, बोलो दूल्हा सरकार की। अच्छा, किसी की शादी होती है तो लोग क्या कहते हैं, दूल्हा बने हैं। इसका क्या मतलब हुआ, बने हैं मने हैं नहीं, इसका तो यही अर्थ होता है। रामलीला में क्या कहते हैं लोग, राम बने हैं मने हैं नहीं राम। हनुमान जी बनते हैं ये, मने हनुमान बनने की नकल करते हैं, अभिनय करते हैं। तो इसका मतलब एक दिन के लिए जो वो ब्लीच पाउडर और क्रीम लगा के ये रंग चुंग करके, पहले तो जोड़ा जामा पहनाया, पीला कपड़ा पहनाया जाता, इसके बाद सफारी सूट में आ गए, इसके बाद में थोड़ा सा अब वो भी मौर और रखा जाता था, अब वो भी गायब हो गया। अब धीरे धीरे पी करके भी विवाह मंडप में, एक तो दूल्हा पी के घम से गिरा विवाह मंडप में, लड़की ने मारा दो तमाचा, बोले भाग ना लायक, मैं तेरे शादी नहीं करूंगी। अब यही सब बचा हुआ है, दो थप्पड़ मारा। आजकल लड़कियां भी कोई कम थोड़े हैं, तो बोले आया मेरे मां बाप की नाक कटाने ना लायक कहीं का। तो प्रेमियों, ये कहां पहले का विवाह, कहां अब भद्दगी पर उतर आया है जो विवाह। तो ये जब तक जितने तो लोग पूछे रामायण सुनने से क्या फायदा, रामायण सुनने से यही फायदा है कि दारू पी के विवाह मंडप में नहीं गिरेगी, सम्मान बचा रहेगा। और रामायण न सुनने से यही हानि है कि जो हो रहा है समाज में यही होगा। पहले की बराती कितने सभ्य सौम्य, आजकल के जब देते हैं तो बंदूक की गोली दाग दाग के टेंटे ही फाड़ देते हैं, बोलो जैसे। यही सब सभ्यता है, यही सब रामायण सिखाती है, यही भगवान का विवाह हमें सिखाता है। तो अवध से अयले सुंदर दूल्हा है, गाइए गाइए जियरा जुड़ाएला सखी, जियरा जुड़ाएला, जियरा जुड़ाएला सखी, जियरा ये। आजकल लोग जो दूल्हा बनते हैं ना, ये हमारे राम जी की नकल है, दूल्हा तो असली यही है, बाकी तो सब बनते हैं, बस दो दिन बाद बिगड़ जाएंगे। पहने क्या है वो दूल्हा, पियरी बिहुती धोती। हमको तो लगता है 10-15 साल बाद धोती कुर्ता पहनने वाला भारत में कोई दिखाई नहीं पड़ेगा, सब ईसाई हो जाएगा। मैं सभी सरकारी नौकरी वाले बाबूजी लोगों से कहता हूँ, 6 दिन कोट पैंट पैंट शर्ट टी शर्ट पैंट पहनिए, एक दिन आपका अभ्यास न छूटने पावे, रविवार को घर पे छुट्टी में धोती कुर्ता पहनिए, ताकि भारतीयता न मरने पाए। यही तो क्रांति है, क्रांति माने बदलाव, क्रांति माने लड़ाई नहीं। हमको क्रांतिकारी लोग इसलिए कहते हैं, मैं परिवर्तन करता हूं। पियरी बिहुती धोती जामा जड़तरिया, यरी पियहुती धोती जामा जड़तरिया, यरी पियहुती धोती पियरी पियहुती धोती जामा जड़तरिया, पियरी पियहुती धोती जामा।
हैं क्योंकि इतना कम समय है ना, अब अभी 7 बज जाएगा। अभी हम तो जब घड़ी देखते तो चौंक जाते हैं। अब बताओ यहाँ कहाँ झांकी बनाने का टाइम है, यहाँ कहाँ फालतू का समय बचा है। 3 घंटा उसमें कथा ना हो पावे, दो दो घंटा एक एक घंटा भजन गाने में लगा दे तो भजन गाने वाले तो बहुत लोग हैं। कहती स्नेह लता पाहुन सो हाथ धरी, मिथिला की भाषा में बड़ी मिठास। लता पाहुन सो हाथ धरी, पाहुन सो हाथ धरी, अरे वो मेहमान जी। कहती स्नेह लता पाहुन सो हाथ धरी, अब तो सरकार आपका विवाह हो गया है ना, सखियां कह रही अब आप अयोध्या लौट जाएंगे, लेकिन मिथिला सुनी हो जाएगा, सखियां रोने लगी। राम जी बोले तो आप देवी हो, चाहती क्या है, बहुत बोलो चाहती क्या है। सखियां बोली सरकार, मिथिले में रही हो सब दीनावारे, सखी जियरा जुड़ाए ला, जोर से हम बोले उतने जोर से बोलो, बोल दूल्हा सरकार की। अरे अवध से आइलन सुंदर दूल्हा है, सखी जियरा जुड़ाइला, अवध से आइले सुंदर दूल्हा है, सखी जियरा जुड़ाइला।